lies, they will tell you. ओके, सो इस तरह का लिरिक्स वीडियो अभी इंस्टा पे काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है, तो चलते गाइस जन सीखते हैं कि इस तरह का वीडियो आप भी कैसे बना सकते हो एंड आप भी कैसे अपने लिरिक्स को वायरल कर सकते हो। तो पहले अपने फ़ोन को घुमा लो ताकि आपको फुल स्क्रीन दिखे और अच्छे से दिखे। उसके बाद आ जाओ अपने कैपकट के एप्लीकेशन में, सिंपली इसको ओपन करना, उसके बाद क्लिक करना प्लस में गाइस और अपने गैलरी से एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना। चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एस्टॉक वीडियोज़ में, उसके बाद यहाँ से आप लोग एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना एंड ऐड करना। ओके एंड गाइज, हमें यहाँ पे बेसिक चीज़ें सीखना है जो कि हमारा टेक्स्ट, फॉन्ट और इफेक्ट्स है। तो पहले आप लोग सॉन्ग को यहाँ पे ऐड करना, उसके बाद आपका पहले लिरिक्स को सुनना पहले कि ये लिरिक्स में क्या है। आई नेवर न्यू यू, बट आप लोग यहाँ पे इतना ध्यान देना गाइज कि आप लोग को हर एक जो वर्ड है ना अलग अलग टाइप करना। जैसे कि आई नेवर, तो पहले आई टाइप करेंगे या फिर चाहो तो आई नेवर दोनों के साथ टाइप कर सकते हो। आई नेवर, उसके बाद इसका जो फॉन्ट है आपको अलग रखना है, मतलब कि डिफरेंट रखना है, जैसे कि कर्सिव टाइप में। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वंडर ये वाला, बाकी आपको जैसा चलेगा आप वैसा रखो। उसके बाद सिंपली आ जाना यहाँ पे स्टाइल में गाइस, और इसका जो कलर है आप लोग चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसका कलर को ये रख रहा हूँ, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है काफ़ी। उसके बाद आ जाना एनिमेशन में, एंड एनिमेशन में आपको सिंपल सा एनिमेशन ऐड करना है। जैसे कि अगर आप एनिमेशन इन में आओगे ना, तो इनमें आपको यहाँ पे ऐड करना ये वाला टाइप टू, ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद चाहो तो आप इसका स्पीड को बढ़ा सकते हो। ओके, उसके बाद इसका जो आउट है, आउट में आपको फेड आउट यूज करना, एंड फेड आउट आपको हल्का रखना, मतलब कि नहीं फेड आउट नहीं, उसके जगह पे आपको दूसरा इफेक्ट ऐड करना है जो कि उस टाइप का ही लगेगा जैसा आप इन में ऐड किए हो। तो वैसे में आपका ऐड करना ब्लर इरेज राइट, ये वाला इफेक्ट काफी अच्छा लग रहा, मतलब मस्त है। तो सिंपली इसको आप ऐड करना, उसके बाद इसका लेंथ आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, इतना कर देना। एंड अभी आप लोग यहाँ पे देखो, उसके बाद आपको यहाँ पे और एक इफेक्ट ऐड करने का, जो मैं यहाँ पे भूल गया था, सिंपली यहाँ पे टैप करना, उसके बाद आ जाना यहाँ पे स्टाइल में। उसके बाद आपका पे आना यहाँ पे स्टाइल में ही, एंड आना आपका पे शेडो में गाइज, और शेडो आपका पे ऐड करना, शेडो आपको भूलना मत, शेडो ही ऐड करना, ब्लैक शेडो। सिंपली इसको बढ़ा देना इतना, ब्लरिंग भी अप्रॉक्स इतना। ओके एंड डन, उसके बाद आप चलते हैं अभी आपका पे सेकंड लिरिक्स ऐड करना। तो पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुन लो, नेवर न्यू यू। तो पहले आप यहाँ पे आ जाना यहाँ पे, उसके बाद सिंपली यहाँ पे टैप करना इसको, एंड पहले इसको कॉपी कर लेना। यहाँ पे सिंपली आएंगे, इसको कॉपी कर देंगे, उसके बाद इसको आपको हल्का सा आगे बढ़ा देना, जहाँ से भी हमारा स्टार्ट होता है ना लिरिक्स वहाँ तक यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे टैप करना, डबल टैप करना, उसके बाद आ जाना यहाँ पे स्टाइल में। उसके बाद जो भी आपका अगला लिरिक्स होगा सिंपली उसको टाइप करना। तो सिंपली यहाँ पे इसको हटा देना पूरा, एंड यहाँ पे लिखना न्यू, उसके बाद यहाँ पे आ जाना फॉन्ट में गाइस, जाना आपका फॉन्ट को अलग रखना है, कुछ अलग फॉन्ट। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ये वाला फॉन्ट जिसका नाम है हेल्वेटिका, इसको तो सिंपली इसको आप भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आ जाना पे स्टाइल में गाइस, एंड इसका जो कलर है आपको वाइट करना, वाइट। एंड इसका जो लेंथ है एंड साइज है आपको बढ़ा करके एंड आगे चिपका देना, मतलब कि जो भी आपका फ्रंट था ना पहले वाला फ्रंट आई नेवर, उसके हल्का सा आगे जस्ट, बट यहाँ पर टच होना चाहिए ताकि उसका ब्लैक शेडो इसके ऊपर में आए हल्का सा, तभी अच्छा लगेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट करना, मतलब एडजस्ट करना थोड़ा सा यहाँ पर टफ लगता है क्योंकि भाई बस लगता है। ओके इतना, उसके बाद इसको आप डन कर देना गाइस, एंड आपके यहाँ पर डन करने के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगा। बट अगर आपका ऊपर नीचे हो जाएगा ना ऐसा टेक्स्ट, तो पहले यहाँ पर टैप करना है इसमें, तो ये भी आपका ऊपर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, जब आप लास्टली एक्सपोर्ट करोगे ना, उस टाइम पे आपको जो भी आपका पार्ट को टेक्स्ट के ऊपर रखना होगा उसको आप टैप करके बस ऊपर कर देना, और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, तो इस तरह से आपका पे सारा टेक्स्ट को ऐड कर लेने का, जो भी आपका लिरिक्स होगा, जो भी आपका टेक्स्ट होगा, सबको कुछ इस तरह से ऐड करना एंड एडजस्ट करना। ओके, तो मेरा पहला लिरिक्स कुछ इस तरह से बना, जैसे कि एक बार देख लो। और आप लोग यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो आउट का, कि आउट में आपको कैसे यहाँ पे रखना ग्राफ, देख लो हर एक क्लिप का लेंथ कैसे रखना है। उसके बाद सिंपली इसको आप एक्सपोर्ट कर देना, यहाँ पे टैप करना ऊपर में गाइस, बाकी इसका जो क्वालिटी आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसको आप एक्सपोर्ट कर देना, एंड अपने पहले गैलरी में सेव करना, उसके बाद डन करके बैक करना, एंड यहाँ पे क्लिक करना प्लस में गाइस, और अपने गैलरी से अभी जो आप एक्सपोर्ट किए थे सिंपली इसको आप ऐड करना इस वाले लिरिक्स को। उसके बाद आपका पे आना इफेक्ट में गाइस, यहाँ पे टैप करना इफेक्ट्स में, उसके बाद आप पे क्लिक करना वीडियो इफेक्ट्स में, उसके बाद आ जाना डिस्टॉर्शन में गाइस, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना रिपल डिस्टॉर्शन, इसमें टैप करना, यहाँ पे डबल टैप करके इसको आप एडजस्ट करना। पहले इसका जो ब्लर पार्ट है उसका आप
अप्रॉक्स 40 रखना, बाकी इसका साइज का आप लोग अप्रॉक्स 10 रखना, साइज 10, स्पीड भी 10, बाकी इसका इंटेंसिटी का हल्का सा बढ़ा देना एंड इसका जो ट्विस्ट है इसको भी हल्का सा बढ़ा देना अप्रॉक्स इतना, बाकी कुछ इस तरह से आपका पे बन जाएगा, बाकी डन कर देना ओके। एंड डन करके इसको पूरा जो जितना भी आपका लेंथ होगा पूरा बढ़ा देना अप्रॉक्स इतना ओके एंड डन। जैसे कि आप लोग एक बार देख सकते हो, अभी मैं यहाँ पे ग्लो पार्ट ऐड करना बाकी रह गया, तो सिंपली पहले इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे आके, एंड जो भी आपका लास्ट पार्ट होगा उसको हटा देना, बाकी पहले हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद चलना है नॉट वीडियो एप्लीकेशन में, एंड ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, तो सिंपली जाना और इस वाले एप्लीकेशन को ओपन करना इंस्टॉल करके नॉट वीडियो ऐप को, उसके बाद आप पे क्लिक करना न्यू में गाइस, उसके बाद थोड़ा सा को वेट करना, उसके बाद आप पे क्लिक करना प्लस में, यहाँ पे टैप करना, उसके बाद क्लिक करना मीडिया में गाइस, उसके बाद टैप करना वीडियो में, उसके बाद अपने गैलरी से उस वाले वीडियो क्लिप को ऐड करना जो भी आप एक्सपोर्ट किए थे कैकपैड एप्लीकेशन से, सिंपली उसको आप यहाँ पे ऐड करना, तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से क्लिक करना प्लस में, यहाँ पे टाइप करना वाइट वाला प्लस में, उसके बाद आप क्लिक करना एसेट स्टोर में, यहाँ पे टाइप करना एसेट स्टोर में यहाँ पे, उसके बाद आपका पे फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्लो का ऑप्शन, यहाँ पे टाइप करना ग्लो में, यहाँ पे लोड नहीं ले रहा है बट यहाँ पे लाइटन के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ग्लो का, तो सिंपली यहाँ पे टाइप करना ग्लो में, उसके बाद आपका पे इसका जो कलर है आपको वाइट सेलेक्ट करना ओके, यहाँ पे क्लिक करना ग्लो कलर में एंड इसका कलर आपको वाइट करना ओके, उसके बाद आपको बेक आना गाइस। उसके बाद यहाँ पे देखो कि ग्लोइंग को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे टैप करना स्कैटरिंग में, आगे वाला यहाँ पे टैप करना जो भी इसका यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ वहाँ पे टैप करना और आपको आगे की तरह मूव करना, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे हल्का सा ग्लोइंग दिख रहा होगा, तो आपको जितना भी रखना होगा उतना आप रख सकते हो, मैं यहाँ पे इतना रख रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो हल्का सा वीडियो को बढ़ा लेना ताकि आपको पूरा दिखे कि कहाँ पे क्या आ रहा है ओके। उसके बाद आपका क्लिक करना थ्रेशोल्ड में गाइस, और थ्रेशोल्ड में यहाँ पे टैप करने के बाद इसको भी आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे टैप करना पहले, उसके बाद इसको आप ऊपर की तरफ मूव करना, बहुत इजी है। अरे भाई कुछ इस तरह से देखो, जितना आपको रखना होगा सिंपल उतना रख देना, बाकी यहाँ पे और भी कुछ कुछ फीचर्स दिया हुआ है तो आप चाहो तो आप यूज भी कर सकते हो, बाकी आप चाहो तो पूरा फाइनली वीडियो को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होम बटन के बगल में, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन एक्सपोर्ट का, सिंपली यहाँ पे टैप करना, उसके बाद आप चाहो तो इसका जो रेजोल्यूशन वगैरह है आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, उसके बाद आप क्लिक करना यहाँ पे नीचे तो आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा देख सकते हो, तो सिंपली गाइस कुछ इस तरह से आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, बाकी आपका बन जाएगा एंड बन के आपका रेडी हो जाएगा, बाकी आपका यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो गाइस कितना अच्छा यहाँ पे ग्लोइंग भी ऐड हो चुका है, तो इस तरह से ऐड करना बाकी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बस आपको टेक्स्ट ऐड करना है और आपको टेक्स्ट का जो भी इफेक्ट वगैरह आपको उसको देखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, बाकी उसके बाद आपका सिंपली ग्लो ऐड करना बाकी बन के रेडी हो जाएगा, तो इस तरह से बना, बाकी इंस्टा पे पोस्ट करो बाकी।